नवरात्रि के अंतर्गत आज है महाअष्टमी, श्रद्धालु कर रहे हैं महागौरी की पूजा। माता विंध्यवासिनी के दर्शन को उमड़ी भक्तों की भीड़, श्रद्धालुओं की सुविधा का रखा जा रहा है विशेष ख्याल। खजुराहो के मां जगदम्बा देवी मंदिर में भक्तों की लगी लंबी कतार, साल में सिर्फ दो बार ही खुलते हैं मंदिर के कपाट। विशाखापट्टनम के कनक महालक्ष्मी मंदिर में 5000 लड्डुओं का लगाया गया भोग, नवरात्रि में पूरे देश से दर्शन को आते हैं श्रद्धालु। नमस्कार, सुर्खियों से परे कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रंजीत कुमार। सुर्खियों से परे कार्यक्रम में सबसे पहले बात महाअष्टमी की। नवरात्र के दौरान आज मां भगवती के 8वें स्वरूप मां गौरी की वंदना की जा रही है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। आज के दिन माता गौरी को लाल चुनरी चढ़ाने की परंपरा है। मां को लाल चुनरी के साथ मखाने और सिक्के अर्पित करने से मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। मिर्जापुर स्थित मां विंध्यवासिनी धाम में दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। सुबह से ही भक्तों की लंबी कतार देखने को मिल रही है। माता के जयकारों से विंध्य धाम गूंज रहा है। नवरात्रि के मद्देनजर प्रशासन की ओर से यात्रियों की सुविधा के लिए कई जरूरी कदम उठाए गए हैं। इसके साथ ही श्रद्धालुओं के लिए बस सेवा भी उपलब्ध कराई गई है। महाराष्ट्र के खजुराहो में स्थित मां जगदम्बा देवी मंदिर के कपाट खुलने के साथ ही यहां भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। मां जगदम्बा के दर्शन के लिए भक्तों को लंबी कतार होने के कारण काफी इंतजार करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि मां जगदम्बा देवी मंदिर साल में दो बार सिर्फ शारदीय नवरात्र और चैत्र नवरात्र पर ही खुलता है। इस दौरान मंदिर में प्रवेश के लिए भक्तों से कोई शुल्क भी नहीं लिया जाता है। विशाखापट्टनम के कनक महालक्ष्मी मंदिर में धूमधाम से शारदीय नवरात्र मनाया जा रहा है। नवरात्र में मां के दरबार को रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया है। देवी मां का भव्य श्रृंगार के साथ विशेष पूजा अर्चना कर भक्तों द्वारा 5000 लड्डुओं का भोग लगाया गया है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में स्थित श्री ज्वालामुखी मंदिर में नवरात्रि पर विशेष अनुष्ठान का आयोजन किया जा रहा है। भक्तों की सुविधा और सुरक्षा के लिहाज से मंदिर समिति द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। जहां नवरात्र में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है, तो वहीं भक्तों द्वारा विशेष रूप से दान भी दिया जा रहा है। इसी कड़ी में एक श्रद्धालु ने लगभग 26 लाख रुपए का गुप्त दान दिया है। आपको बता दें कि नवरात्र के दौरान भक्तों की मन्नत पूरी होने पर वे देवी मां के दरबार में दान अर्पित करते हैं। गौरतलब है कि इस बार दूसरी बार किसी श्रद्धालु ने चढ़ावे के रूप में इतनी बड़ी रकम भेंट की है। प्रयागराज के मीरापुर में स्थित मां ललिता देवी मंदिर में कोरोना के चलते दो साल बाद शारदीय नवरात्र धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस बार लाखों की संख्या में श्रद्धालु मां के दर्शन को पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि यमुना किनारे बने इस मंदिर में मां ललिता देवी के 3 स्वरूपों के दर्शन होते हैं। साथ ही मां ललिता देवी मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। इसी स्थान पर मां सती की हाथ की उंगली गिरी थी। ये मंदिर त्रिपुर सुंदरी के नाम से भी विख्यात है। सुर्खियों से भरे कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज के इतिहास के साथ। नमस्कार।